हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण यादव। मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं मंदार पर्वत। वही मंदार पर्वत जिससे कि समुद्र मंथन हुआ था। दानव यानी राक्षस और देवताओं में जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसी पर्वत के द्वारा किया गया था समुद्र मंथन। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आज पूरी यात्रा आप लोगों को मंदार पर्वत का करवाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है नीचे का नज़ारा, यानी कि जब आप मंदार पर्वत में एंट्री लेंगे तो कुछ ऐसा ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सबसे नीचे एक पोखर है, उसके चारों साइड बहुत ही अच्छी अच्छी तरह से पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बीच में ही ये जो आप देख रहे हैं दिव्य क्षेत्र मंदार, ये मंदार पर्वत जो समुद्र मंथन हुआ था उसका एक छोटा सा नमूना नीचे बनाया गया है ये हाथ के द्वारा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पर्वत की ओर चलेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग पर्वत की ओर चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग अभी जो ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ इसी सीढ़ी के द्वारा चलेंगे हम लोग। तो चलिए ऊपर चलते हैं और आप लोग को ऊपर का दृश्य दिखाते हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक, वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में बनाया गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले पत्थरों को काटकर सीढ़ी बनाया गया था, उसी पत्थर के द्वारा व्यक्ति क्या करते थे पर्वत पर चढ़ते थे। लेकिन अभी तो सीढ़ी बन गया है, बना दिया गया है, तो अच्छी तरह से इसके द्वारा जाके वहाँ पर देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अभी काफ़ी सुविधा दी गई है, ट्रॉली भी लगवा दिया गया है, ट्रॉली के द्वारा भी आप जा सकते हैं। अगर जो कोई नहीं चल सकता है और दर्शन करना चाहता है तो ट्रॉली के द्वारा जा सकता है। आपको हम ट्रॉली का भी दृश्य दिखाएंगे, नज़ारा दिखाएंगे उसका भी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए जब हम ऊपर से आपको दिखाते हैं तो वो दिखाई दे रहा होगा, नीचे का नज़ारा ऐसा ही है। जब हम ऊपर से देखते हैं, अभी पूरा ऊपर तक चढ़े नहीं है, बीच से ही देख रहे हैं, अभी थोड़ा दूर ही पहुंचे हैं, वहां से आपको नीचे दिखा रहे हैं, तो ऐसा ही दिखता है। वो रहा ऊपर का मंदिर। दोस्तों ये जो पर्वत है बड़ा ही अद्भुत है। इस पर्वत से जब समुद्र मंथन हुआ था, जब दानव और देवताओं को कोई चीज़ मंथन के लिए नहीं मिल रहा था, तो वो जब सांप के द्वारा जो करते हैं मंथन, तो सांप का जो रगड़ा के जो चिन्ह बनता है वो भी अभी तक ही है, वो अभी तक मिटा नहीं है। वो निशाना भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। देखिए ये नीचे का नज़ारा है, कुछ ऐसा है। आप देख सकते हैं कितना ऊंचा पर्वत है। ये साइड साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है वो पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़ है पर्वत के बगल में। ये ऊपर में बैठने का भी जगह है, जब आप चलते चलते थक जाते हैं बीच रास्ते में तो बैठने की जगह बना दिया गया है। ये जो व्यक्ति सब देख रहे हैं यहाँ पे शरबत देते हैं, जैसे आप थक जाते हैं प्यास लग जाता है तो ये लोग शरबत देते हैं। ये देखिए ये बैठने की जगह बनाया गया है और आप लोगों को दिखाई देता होगा उधर से ऊपर से ट्रॉली आ रहा है, यानी कि जो ऊपर चढ़े हैं वो नीचे उतर रहे हैं उस ट्रॉली के द्वारा। आप लोगों को जूम करके दिखाएंगे वो भी।
देखिए आप लोगों को ये जो रास्ता दिख रहा है यानी कि जो चिन्ह दिख रहा है निशान, वो निशान सांप का है जिससे रगड़ा के निशान बनाया गया था मंथन के द्वारा। जो मंथन के समय निशान हुआ था वही भी है, आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं, वो देखिए अभी तक वो मिटा नहीं है, वो निशान है ही। इससे पता चलता है हम लोगों को ये वही पर्वत है। देखिए वो टोली जो है ऊपर से नीचे उतरा, उसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं और उसी के द्वारा नीचे उतर उधर से लिफ्ट आता होगा, जो संभव नहीं है चढ़ने के लिए तो वो अधिकतर उसी से लेके जाते हैं। देखिए टोली आ रहा है ऊपर पर्वत पर चढ़ रहा है, वो नीचे का दृश्य जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे कुछ ऐसा ही दृश्य आपको दिखाए थे। देखिए कितना हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, अभी पूरा नहीं चढ़े हैं लेकिन देखिए फिर भी यहीं से आपको देखने पर मिलेगा कितना ऊपर चढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे जब हम लोग आधा दूर अभी पहुंचे, ये जो दृश्य दिख रहा है ये आधा दूर का है, यानी कि आधा जब हम लोग चढ़ जाते हैं तो आधा दूर में ऐसा ही दृश्य कुछ है। और इसी के जस्ट बगल में जो है सीता कुंड है, यहाँ पे बहुत सारे दुकान भी रहते हैं जो कि आप थक जाते हैं तो यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं, कुछ पी सकते हैं। वो जो आपको पोखर दिख रहा है वो किसका है, सीता कुंड का। इधर से रास्ता जाता है सीता कुंड में प्रवेश करने का, उधर देखिए वहां पे लिखा हुआ है सीता कुंड नरसिंह भगवान। देखिए यहाँ पे लिखा है नरसिंह भगवान गुफा कुआं जाने का रास्ता, यानी कि नरसिंह भगवान का जो गुफा का कुआं है यही रास्ता से वहाँ पे जाता है, तो वो रास्ता हम चल गए। लेकिन हम लोगों को इस रास्ता में चलना है, अभी पर्वत पे पहुँचना है, मंदिर को दर्शन करना है। देखिए ये टोली जा रहा है ऊपर, अभी काफी सारा सुविधा दे दिया है, पहले ऐसा नहीं था कुछ। देखिए ये जो गाय सब है ये सब भी ऊपर पे ही रहता है पहाड़ पे, तो ये लोग ये जो गाय सब है नीचे रोज उतरता है चढ़ने के लिए और रोज ऊपर चढ़ता है वहीं पे रहता है, तो काफी लोगों को भी कष्ट होता है चढ़ने और उतरने में, क्योंकि हम लोग जब एक बार चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है। ये जो देख रहे हैं आप ये सब जो ऊपर मेन गेट यानी कि सबसे मंदिर तक हम लोग ऐसे करते हुए पहुंच चुके हैं, और ये मेन गेट का नज़ारा है, मेन गेट यही है जो कि अभी बंद हो गया है क्योंकि 4 बज गया, हम लोग शाम के टाइम में अभी आए थे इसलिए बंद हो गया। ये सुबह 10 बजे खुलता है और शाम में 4 बजे बंद हो जाता है, तो ये इधर से शॉर्टकट रास्ता तो कुछ है नहीं, ये तो ऊपर का था, इधर से ही हम लोग क्या किए थे ऊपर चढ़े थे, यही रास्ता से ऊपर आए थे। देखिए यहाँ से जब आप लोगों को नीचे का नज़ारा दिखाएंगे तो काफ़ी छोटा छोटा सब चीज़ देखने को मिले। देखिए ये जब मंदिर में अंदर में प्रवेश करते हैं तो अंदर में ऐसा ही दिखता है, मार्बल लगा हुआ है, टाइल्स बैठा हुआ है, ये पूरे चारों तरफ में इतना सा जो ग्राउंड दिख रहा गया है, ठीक है। ये नीचे का रास्ता, नीचे का दृश्य है, जब सबसे ऊपर पे हम लोग चढ़ जाते हैं और नीचे देखते हैं तो इतना छोटा छोटा सब चीज़ दिखता है, जूम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये जूम करके दिखा रहे हैं इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब छोटा करेंगे इसको जूम नहीं करेंगे तो एकदम पूरा धीरे धीरे छोटा छोटा दिखाई देगा। देखिए अब लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है क्या है नहीं है। देखिए ये जो मंदिर का अंदर का नज़ारा, अभी तो बंद हो गया है गेट इसलिए आप लोगों को पूरे नहीं दर्शन करवा पा रहे हैं, तो ये जो गेट बंद हुआ था उसके छोटे से छिद्र से हम आप लोगों को कैमरा दिखा रहे थे। देखिए ये मेन गेट था अंदर घुसने का,
और ये पूरा जगह है इधर उधर घूमने के ऊपर, ये नीचे का नजारा है। तो ये ऊपर में जो है, ये जो अभी हम लोग कहाँ पे, मंदिर के प्रवेश द्वार यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए ये हम लोग सबसे ऊपर अभी चढ़े हैं। यहाँ पे झंडा तोलन भी होता है 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन। ये सबसे ऊपर का मंदिर का नज़र आप लोगों को देखिए। अब तो मंदिर बंद हो चुका है तो आप लोगों को दिखाने पाए नहीं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि जब भी आइएगा तो मंदिर का दर्शन करके जाइएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से नीचे होते हैं, देखिए वहाँ लिखा है नीचे जाने का रास्ता। अब हम लोग यहाँ से नीचे हो रहे हैं। मंदिर तो खुला था नहीं, जो कि दर्शन करेंगे जो लेट होगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को मंदिर का नज़ारा दिखा दिया, अब हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं। भगवान वासु पूज्य की पवित्र तप स्थली, यहीं पे तप किया था उन्होंने वो असली। ये भी गुफा है अंदर जाने के बाद, अभी फिलहाल बंद हो गया वो भी, तो नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि शाम का टाइम अभी 4 बज रहा है और 4 बजे मंदिर बंद हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ ऊपर का नज़ारा, काफ़ी सुंदर लगा, अच्छा लगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।